पक्ष चल रहा है। ऐसे में देश भर में लोग अपने पितरों का तर्पण व श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। इसी कड़ी में काशी में भी पिंडदान वैसे तो आम बात है, लेकिन शनिवार को यहाँ का नजारा कुछ अलग रहा, क्योंकि पिशाच मोचन मंदिर में किन्नर समाज ने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में पंडित मुन्ना पंडा के बड़े बेटे ललित कुमार पांडे के नेतृत्व में यह श्राद्ध कर्म किया गया। इसमें देश भर से आए किन्नर समाज के संत और साधुओं ने जोर जोर से डमरू बजाकर पूजा की प्रक्रिया पूरी की। हवन कुंड में आहुतियां डाली गई और इसी के साथ ही इस मौके पर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना रहा कि हमने प्रण लिया है कि हर दूसरे साल बनारस में आकर पिंडदान करेंगे। कई किन्नर नेचुरल मौत से मर जाते हैं और उनको सिर्फ जलाकर आ जाते हैं, उनका कोई श्राद्ध कर्म नहीं होता। इसलिए हम लोग हर दूसरे साल अज्ञात और ज्ञात किन्नर जिनकी मौत हो चुकी है उनका पिंडदान करते हैं। हम 2016 से पिंडदान का कार्यक्रम करते आए, त्रिपिंडी श्राद्ध का कार्यक्रम करते आए हैं, जो हमारे पिशाच मोचन कुंड पे मुन्ना भैया के द्वारा और मेरे द्वारा ये शुरुआत की गई। जितनी आत्माएं हैं जो तृप्त नहीं हो पाती, जिनका पिंडदान नहीं होता, जिनका तर्पण नहीं हो पाता, जो अलग अलग यवनि में चली जाती हैं, चाहे वो ब्रह्म हो जाते, पिशाच हो जाते, अलग अलग आत्माओं में चली जाती है, उनको मुक्ति नहीं मिलती, उन आत्माओं को सनातन धर्म में तर्पण का संविधान है और उस तरीके से क्रियाएं हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध है, तो हम सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध उन आत्माओं के लिए, चाहे वो नर हो, नारी हो, किन्नर हो, या कोई भी हो, पशु हो या पक्षी हो, सबके लिए हम श्राद्ध करते हैं और ये मनोकामना करते हैं हमारे महाकाल, हमारे पिशाच बाबा से कि सबको मुक्ति पिशाच मोचन कुंड पे प्राप्त हो। उन्होंने बताया कि किन्नरों की जिंदगी बहुत दुख भरी है। जब परिवार के लोगों को पता चलता है कि ये किन्नर है तो वो लोग उसे घर से निकाल देते हैं। इसके बाद इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है कि घर का भी त्याग करना पड़ता है। समाज ने हम लोगों को ऐसा कर दिया है कि हम लोगों को अंतिम संस्कार तक करने में परेशानी आती है। निधन के बाद अगर किसी की अस्थि लेकर उसके घर जाते हैं तो परिजन अस्थि लेने से इनकार कर देते हैं। इसलिए किन्नरों के भटकती आत्माओं को मोक्ष देने के लिए हम लोग यह आयोजन करते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना रहा कि यह कोई नई परंपरा नहीं है। महाभारत काल में शिखंडी ने भी किन्नरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था, तब से यह परंपरा चली आ रही है। कुंभ है, कुंभ की तैयारी हो रही है सारी, और हमारा पूरा अखाड़ा कुंभ में भी आएगा और बहुत सुंदर तरीके से हम अखाड़ा का करेंगे। कितने लोग सदस्य यहाँ शामिल हुए हैं? ये सारे अलग अलग, चाहे वो पंजाब बोलिए, दिल्ली बोलिए, उड़ीसा बोलिए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग प्रांतों से सारे महामंडलेश्वर इकट्ठा हुए हैं।